श्री राजपूत खरीसना का राष्ट्राध्यक्ष आपका भाई, आज पहुंचा हूं मैं राजपूताना की धरती जयपुर पर। क्योंकि जयपुर में घूम नहीं पाया, राजस्थान में मैं प्रथम चरण के जो 12 सीटें थी उन पे ज्यादातर पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैं पिछले 8-10 दिनों से गुजरात और यूपी के दौरे पे था। और गुजरात ने एक सीधा संदेश दिया पूरे देश के क्षत्रियों को, पूरे देश के उस आम व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं महिला सम्मान के लिए लड़ता है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के हक अधिकार के लिए खड़ा होता है। देखो, महिलाएं हर घर में, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, महिला सम्मान की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, महिला हर एक व्यक्ति के घर में। कोई व्यक्ति महिला सम्मान के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे और हठधर्मी सरकार उसकी अब तक टिकट नहीं काटे। पहले उसको प्रत्याशी घोषित किया गया, 16 तारीख को उसने नामांकन भर दिया, आज 18 तारीख है, कल प्रथम चरण के चुनाव है। गुजरात में अभी 6 जून को है, पर हमारे यहां कल 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, रूपाला का टिकट अभी भी नहीं काटा गया है और अब उसने नामांकन भी भर दिया है। मैं पिछले 2 दिन से यूपी था, मैंने हर जगह बात रखी। आप सबको बोलना चाह रहा हूं, निवेदन करके, क्या 8-10 लाख राजपूत इकट्ठे हुए राजकोट में, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? उनके घर में जो बहन बेटियां, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? हमारी महिलाओं की कोई इज्जत आबरू नहीं है? और जिस राजपूत समाज ने इस बीजेपी को खड़ा किया, क्या हमारी इसमें कोई वैल्यू नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूं, कोई अभी लिख रहा था अगर अपनों से झगड़ा हो जाए तो मुगलों को सत्ता नहीं सौंपी जाती। अरे कौन मुगल है? अभी भी कोई मुगल बाकी रह गया क्या? आपके बाप दादा मर गए मुगलों को यहां से खदेड़ते खदेड़ते। किनको मुगल बता रहे हो और किनको अपना बता रहे हो, पहले तो ये तय करो। कहीं जिन्होंने जो जिनको आपने सब कुछ सर्वा समझ रखा वही तो मुगल नहीं है? सब बातों को छोड़िए, मैं उसे हर एक क्षत्रिय बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे एक छोटे भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता, मेरी बहन बेटी की उज्जत उजाल दी, कोई उनपे कोई बात नहीं, उनपे कोई इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारी साफा उजाल दिया, टोपी उछाल दी, जो सम्मान का प्रतीक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं? और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से, उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें से 2 जो आतंकी थे कन्हैयालाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है, पर एक दोहरी मानसिकता देखिए। पूरे बकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है, कोई भाटी को, भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा? उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से ये भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की सरहद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी मां भगवती की सौगंध खाता हूं आसापुरा की, आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आज तक कांग्रेस को कोई बोलना कांग्रेस के दलाल है,
हमारे समाज की जो नेता भी चित्तौड़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला गया कि ये तो कांग्रेस के दलाल है, तो मैं उन नेताओं को जो मेरे भाई है, मैं दो फाड़ नहीं करना चाह रहा था इसलिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आज से 4 महीने पहले उन्हीं नेताजी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी तो स्वाभिमान के नाम पे कौन खड़ा हुआ उनके साथ? यही राजपूत समाज का युवा था, ये हम लोग थे और बकायदा निर्दलीय जीता के लाए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पार्टी के प्रेशर में इतना मत आइए कि राजपूत समाज के खिलाफ आपको ये वक्तव्य देना पड़े। वहां के एक समाज के संगठन के व्यक्ति मां पद्मावती चित्तौड़ से थी, उनकी लाज को रखिए, उनको उनके दूध को मत ले जाओ, उनकी कोक को मत ले जाओ। अरे मां पद्मावती आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, इस चित्तौड़ के मान सम्मान के लिए, इस राजपूताना के मान सम्मान के लिए, इस देश के अभिमान के लिए जोहर कर लिया था। उस चित्तौड़ की धरती का कोई सामाजिक व्यक्ति ये बोलता है कि ये बी टीम है कांग्रेस की? क्या हम तुम्हारे भाई बी टीम है कांग्रेस की? कांग्रेस के एक नेता के साथ महिपाल सिंह की फोटो दिखा देना, समाज सेवा छोड़ दूंगा, मैं कोई एमपी एमएलए की टिकट नहीं मांग रहा जो मुझे कोई फायदा हो रहा है। बीजेपी के सैकड़ों अब तक फोन आ चुके हैं नेशनल नेताओं के, कितने में सौदा करोगे? महिपाल सिंह बिकाऊ नहीं है, राजपूत का खून हूं, जो भी भाई मुझे देख रहे हैं। और आपको लगता है इस मैसेज को पूरे देश में जाना चाहिए? फ्री का एक आता है शेर, मेरा उठा के फेसबुक अकाउंट देखो, इतना गला घोट दिया है इसे, इन सरकार ने, इस केंद्र की सरकार ने, इस राज्य की सरकार ने, कि इस पे 5 लाइक आना भी मुश्किल हो गया। ये तो आप लोगों की ताकत है जो आप लोग जो शेयर करते हो। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, इसको शेयर करो, आगे फॉरवर्ड करो, तो मेरी आवाज पूरे देश में जा सके। दो व्यक्तियों ने इनको आईना दिखा दिया पूरे देश में। ठाकुर पूरण सिंह जो यूपी की धरती से निकले, हरियाणा में घूमे, पश्चिम में यूपी में घूमे, 27 टिकट में से एक टिकट दी गई है जनरल वीके सिंह जी जैसे मेरे समाज के बुजुर्ग जो जनरल रहे हुए इतनी बड़ी पोस्ट पे, सबसे ज्यादा वोटों से जीत गए थे इस देश में, 8 लाख 8.5 लाख उनकी टिकट काट दी गई। खुद मोदी जी 5 लाख वोटों से जीते थे, कैसे काट दी मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो ब्रिजभूषण सिंह पे, मुझे जवाब दो। मैंने उसे हर एक एमपी में 7 से 1 टिकट कर दी, क्यों कर दी? गुजरात में आप 20 साल से एक टिकट नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे महाराणा प्रताप जैसे लोगों की जातियां बदल दी गई। अरे अभी तो जागो, कब जागोगे? मेरे मन में खुद में राष्ट्रवाद है, मैं खुद चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आए, पर ये मान लेना अपने फसल खराब हो जाती है, फसल खराबा हो जाता है, पकने के समय बरसात आ जाती है, बड़ा तूफान आ जाता है, फसल खराब होती है ना, कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, घर में घाटा भुगतना पड़ता है। अब की बार ये देख लेना, हमारी कमल की फसल खराब हो गई थी और अब की बार हम लोग वोट की चोट देंगे और बकायदा देंगे। मेरे इतिहास में तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, इतिहास के पन्नों को तुमने तोड़ा मरोड़ा है, खून से लिखी भी लिखा हुआ इतिहास है, स्याही से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ईडब्ल्यू सरलीकरण में इन्होंने क्या किया मुझे बताओ, जिसमें जाट भी आएगा, बिश्नोई भी आएगा, भूमिहार भी आएगा, पटेल भी आएगा, मराठा भी आएगा, क्या मैं सबकी बात नहीं कर रहा था? क्या गलत बात थी? क्यों नहीं आपने किया? क्यों इतिहास के ऊपर हमारे हरियाणा में केथल में डांगे लट्ठों से मारा गया आपके राजपूत समाज के युवा को? मैं राजस्थान के राजपूत समाज के युवा से बोलना चाह रहा हूं, क्या वहां का राजपूत समाज का युवा यहां का नहीं है? एक सज्जन बोलते हैं यहां के ये तो हमारा गुजरात का मामला है, मेरे चाहे दक्षिणी भारत का राजपूत हो, चाहे वो गुजरात का राजपूत हो, चाहे अहमदाबाद का राजपूत हो, और चाहे वो कहीं का भी राजपूत हो, चाहे आसाम का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, मेरा भाई मेरी बहन बेटियों की इज्जत पूरे देश में, पूरे देश में मेरे बहन बेटियों की इज्जत इज्जत है, स्वाभिमान है। केवल 2 लोग निकले युवा, इनको आईना दिखा दिया। मैं बोल रहा हूं हर एक घर से अगर महिपाल सिंह निकलेगा, ठाकुर पूरन सिंह निकलेगा, जीवन सिंह शेरपुर निकलेगा, तो क्या नजरिया, क्या नजारा होगा आप देख सकते हो।
हजारों प्रलोभन है, बिकने को बिकते हैं लोग, मैं बता रहा हूं। और लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, हम वो लोग उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे। आप मेरा एक बार माँ भगवती आशापुरा, माँ जमुआई, माँ करणी, माँ नागनी चमा, आप लोग शपथ लेके एक बार, मैं बोल रहा हूं महिपाल सिंह, प्रथम चरण में हम लोग कमल का फूल हमारी भूल करेंगे। हमारी 12 सीटों पे, 12 की 12 सीटों पे बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, कसम खाओ आप। अगर आप मेरा समर्थन करते हो, मैं राजस्थान में 3-4 सीटों पे गया हूं, चित्तौड़ पे, बूंदी पर, सिरोही में, अजमेर में, ज्यादा जा नहीं पाया हूं। मुझे आज केवल 15 दिन हुए, 15 दिन से जब से मैंने सुना है कि इन्होंने बहन बेटी के मान सम्मान पे कीचड़ उछाला है, तब से बैठा नहीं हूं। दो बार डिटेन हुआ हूं, पूरे गुजरात राज्य की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, फिर भी 8-10 लाख लोग आए, सबने शपथ लिए, तो क्या राजस्थान का राजपूत कमजोर थोड़ी है? क्या आपके रविंद्र सिंह भाटी पे देशद्रोह का ये इल्जाम लगाते हैं और आप लोग चुप रहेंगे? क्या राजपूत देशद्रोही है? जवाब दो। बोल रहे गौरी को नहीं देंगे, पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी होगी तो गौरी के साथ खड़े नहीं होंगे। अरे पृथ्वीराज चौहान तो दुश्मनी करने जैसा है ही नहीं भाई। अगर ये पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप की मानसिकता के होते, इनके चरण धो के नहीं पिएंगे 10 साल। 10 साल हो गए इनके चरण धोके पीते हुए। राजपूत को काटने के अलावा 10 सालों में क्या किया मुझे बताओ? जनरल वीके सिंह की क्या गलती थी मुझे बताओ? बताओ मुझे, राजेंद्र राठौड़ की क्या गलती थी? क्या एक बार हारने से साफ कर दोगे आप? अब देखिए केंद्र के नेताओं को, एक को भी कोई किसी को, राजनाथ सिंह को कहां पे ले जाए भेज दिया गया है, हाशिए पे आ गए हैं, जिनकी फोटो मोदी के अमित शाह जी के साथ लगती थी। मैं आज भी छाती ठोक के बोल रहा हूं, मोदी तेरे से बैर नहीं, पर तुम्हारी मानसिकता की खेल नहीं, राजपूत विरोधी मानसिकता वालों की खेल नहीं। मोदी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमित शाह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो राजपूती मानसिकता के लोग बीजेपी में बैठे हैं मुझे उससे दिक्कत है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरा भाई है राजपूत है, इसको शेयर जरूर करेगा, इसको शेयर करेगा, हर एक ग्रुप में पहुंचाएगा, डाउनलोड करके अपनी फेसबुक आईडी पे लगाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए। इस प्रथम चरण में, अभी चौथे पांचों चरण की नहीं बोल रहा हूं, अभी पहले प्रथम चरण में कमल का फूल हमारी भूल, हम खिलाफ में वोट करेंगे। अगर इनके नैन चक्षु, दिमाग के चक्षु खुल जाए तो हमें इतिहास में बता देना क्या आपकी सरकार आते ही क्या करेगी, हमें बता देना कि साहब रूपाला का टिकट काट दिया है, हमें बता देना इंडिविजुअल आरक्षण में क्या किया है, 4 चरण और बाकी है, और नहीं मानोगे तो 4 चरणों में भी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में घूमेंगे और वहां वहां मेन 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 सीटों पे जाएंगे जो तुम लग, अरे मोदी के नाम के अलावा ये प्रधान का एक पंच का ये चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसे लोग हैं 90% तो ऐसे नेता है जो मोदी के नाम के अलावा, बीजेपी के टिकट के अलावा एक पंच का चुनाव नहीं जीत सकते। क्या करोगे ऐसे लूले लंगड़ों की फौज का, जिनको मंत्री तो बना दिया, पावर उनके पास कुछ नहीं है। मैं राजस्थान की गवर्नमेंट से भी बोलना चाह रहा हूं और यहां के नेताओं से भी बोलना चाह रहा हूं, जो रूपाला पुरुषोत्तम रूपाला के पक्ष में जो दे रहे ना काले झंडे दिखाएंगे, मुंह काला कर देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। तुम विरोध नहीं करो, मत करो, पक्ष की बात करोगे तुम बकायदा जवाब दिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो राजपूत समाज से हो और चाहे किसी अदर कास्ट से हो, जो राजपूत समाज की बहन बेटियों पे टिक्का टिप्पणी करता हो, उनके चरित्र पे दाग लगाता हो, उनके खिलाफ कोई खड़ा होगा, ऐसा विभीषण हमें नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना हम राम भक्त, हम वो राम भक्त है जिन्होंने 500-500 साल पगड़ी नहीं पहनी, जूती चप्पल नहीं पहनी। तुम हमें बताओगे क्या राम क्या है? हम राम के वंशज हैं। लोग बोल रहे थे मंदिर अयोध्या जाए तो राम से आंख मिला सके वो काम करना, अरे भैया राम तो मन में है, राम तो दिल में है, राम तो हर के मुंह में है।
क्या 500 साल मंदिर नहीं था तो राम नहीं थे? अरे हमारे गांव में चार भुजा का मंदिर है, राम का मंदिर है, राम परिवार का मंदिर है, और कसम राम की खाते हैं अब की बार प्रथम चरण में बीजेपी हराएंगे, बीजेपी हराएंगे। और बकायदा रिजल्ट आना चाहिए कि प्रथम चरण में हारा था, अगर ये मान जाए तो चार चरण में कोई और फैसला लेंगे, और अगर ये नहीं माने तो चारों चरणों में यही फैसला होगा, और चारों चरणों में पूरे गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे। एक रूपाला का मामला नहीं है, मुझे अभी फोन आया कि कल रूपाला हो सकता है टिकट उठा ले, अपना फार्म उठा ले। हमें भीख नहीं चाहिए, राजपूत है, भीख नहीं चाहिए भाई। रूपाला क्यों टिकट उठा ले, फार्म उठा ले? रूपाला एक साथ तो 400 फार्म और भरे हैं राजपूत समाज ने, वो जो ईवीएम मशीन के ऊपर उछल रहे ना ये लोग, 385 जो उम्मीदवार हो जाते हैं उसके बाद ईवीएम मशीन नहीं बैलेट पेपर होता है, 400 फॉर्म भरवाए वहां पे, 400 पूरे देश को मालूम होना चाहिए, 400 फॉर्म भरे भाइयों, एक फॉर्म का 35,000 रुपए लगता है, समाज का कितना पैसा लगा होगा केवल ईवीएम मशीन हटाने के लिए। और अगर कहीं पे भी आपको लड़ाई लड़नी हो तो ये 400 फॉर्म वाला फार्मूला जरूर लगाना, क्योंकि ईवीएम है ना, ईवीएम वो हटेगी तो समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं? और ईवीएम कैसे हटेगी, 385 उम्मीदवारों तक ईवीएम मशीन अलाउ है, इनको मालूम है 385 तो उम्मीदवार होंगे नहीं, इनको नहीं मालूम अब की बार तुम्हारी लड़ाई राजपूत से हुई है जो स्वाभिमान के लिए मर जाएगा। अरे जब हम हमको लाने वाले हैं, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, और उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की, चंद्रशेखर जी की लाइन थी, मैंने कल भी कोड करी थी, परसों भी कोड करी, आज और कर रहा हूं, वो एक शब्द है ना कि अपने सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए, अपने कथन के लिए, वचन के लिए लड़ना होगा, चाहे सामने खुद स्वयं काली क्यों ना हो, महाकाली क्यों ना हो, वही क्षत्रिय है, क्षत्रिय वही जो अपने मान सम्मान के लिए लड़ जाए, अपने महिला सम्मान के लिए लड़ जाए, धर्म की स्थापना के लिए लड़ जाए, चाहे सामने अपने वचन के लिए, चाहे सामने कोई भी हो, भगवान खुद राम क्यों ना हो। क्षत्रिय का मतन रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सब लोगों से निवेदन है, इस ये जो मेरा संदेश है पूरे देश में पहुंचाए, कमल का फूल हमारी फूल, ये प्रथम चरण का हमारा बकायदा संदेश है। और एक जयपुर वासियों के लिए अलग से मैं एक मैं संदेश देना चाहता हूं, जयपुर के मान सम्मान के लिए, राजपूतों के मान सम्मान के लिए, आपके इतिहास के लिए, इस जयपुर के मान सम्मान के लिए, जयपुर के बकायदा इसके अभी जो जयपुर के दो टुकड़े हुए थे उसके खिलाफ भी अगर कोई लड़ा तो यहां का एक ही नेता है, यहां का एक ही, यहां पला बड़ा, यहां बड़ा हुआ वो युवा नेता प्रताप सिंह खाचरियावास है, मेरे विद्याधर नगर के, मेरे आदर्श नगर के, हवा महल के, जो भी क्षत्रियों के साथ जो कोमे और है, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, जब जब महाराणा प्रताप पे बात आई केवल प्रताप सिंह खाचरियावास बोला, जब जब महिलाओं पे बात आई तो प्रताप सिंह खाचरियावास बोला, अभी मेरी पगड़ी उछाली गई, टोपी उछाली गई, मुझे डिटेन किया गया, तो आपके भाई के ऊपर अगर कोई बोला तो प्रताप सिंह खाचरियावास है। अगर अब भी हम लोग प्रताप सिंह के साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जीवन में खड़ा नहीं होगा आपके विश्वास से। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास, तन मन धन से आप लोग लगे, और परसों प्रताप सिंह खाचरियावास के आगे चाहे वो बसपा से खड़े हो, चाहे वो कांग्रेस से खड़े हो, चाहे वो सपा से खड़े हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो निर्दलीय होंगे, मेरा नेता प्रताप सिंह खाचरियावास है, यहां का लोकप्रिय सांसद का उम्मीदवार, और आप सब लोगों का भी वही होना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पूरे देश में ये मैसेज दो कि हमारे युवा को अगर देशद्रोही घोषित करोगे तो हम खिलाफ खड़े होंगे, हमारी बहन बेटियों पे कीचड़ उछालोगे तो हम खिलाफ खड़े होंगे,
हमारी टोपी, हमारी पगड़ी जो सम्मान का प्रतीक है, गर्दन कटा लेते थे। तुम वोट भी नहीं दे पा रहे हो। सबको बोलना चाह रहा हूं, खड़े हो जाओ और बकायदा इनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार हमारी कमल की फसल कीड़े ज्यादा लगने से खराब हो गई है, तो अब की बार हम लोग ये फसल नहीं काटेंगे। सबको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, मां भगवती की कसम है, शेयर करिए और पहुंचाइए पूरे देश में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती, जय मां भवानी, जय करणी मां, हमारी एकता जिंदाबाद।